पटना सिटी के मर्ची पंचायत के देवा रामचक गांव में आज सुलभ शौचालय का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन मर्ची पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने किया है। इस उद्घाटन में रिदम फाउंडेशन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली के रिदम फाउंडेशन लगभग 2 सालों से इस पंचायत में घूम घूम कर महिलाओं से संबंधित समस्याओं को जानने की कोशिश में थे और यहाँ के महिलाओं को खुले में शौच करता देख संस्था ने इस पंचायत में एक शौचालय निर्माण के बारे में सोचा, जिसमें सभी तरह की सुविधा हो, जिसमें महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। शौचालय में शौच की सुविधा के साथ साथ स्नान करने के लिए और कपड़े धोने की भी सुविधा दी गई है। मुखिया अनिल सिंह ने बताया कि इस तरह के शौचालय के निर्माण से पंचायत रोल मॉडल के रूप में उभरेगा। साथ ही यह भी कहा कि आज महिलाओं की लंबी मांग जो थी उसे रिदम फाउंडेशन ने पूरा किया, जो बधाई के पात्र हैं। और कोरोना जैसे बीमारी से बचाव में यह शौचालय साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी मील का पत्थर साबित होगा। इस साल 1.5 साल पहले से ही ये संस्था द्वारा परिणाम फाउंडेशन के माध्यम से ये मेरे पंचायत में एक कार्य कर रहे थे कि कैसे हाथ धोना है, कैसे मतलब कि हम लोग को रहना चाहिए, जो दैनिक जो जीवन जो होता है कि कैसे हम लोग पूरे जीवन कैसे हम व्यतीत करें, इस पर फोकस दिया गया, साफ सफाई पर फोकस करना। बाथरूम अति आवश्यक। आज 70% से ऊपर बीमारी होता है जो बाहर में शौच करने से, और वो शौच बाहर करने के बाद वो खुले जगह पर रहता है, वहाँ पर मक्खी बैठता है, कीड़ा बैठता है, वो हम लोग के देह पर प्रवेश करता है, सटता है, उससे बीमारी फैलता है और वो बीमारी एक बड़ा रूप लेता है। तो इसका प्रचार प्रसार करते हुए हमारे पंचायत के महिला लोग जो असहाय कमजोर गरीब लोग थे, उनकी डिमांड को इनके संस्था द्वारा पूरा किया गया है। हम इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं बात की है, इनकी पूरी टीम आए थे, दिल्ली की टीम था और रिदम फाउंडेशन के लोग आए थे। वो खुद अपने से हर महिला हर घर जाकर स्थिति को वाच किए, शौच के प्रॉब्लम, स्नान करने का प्रॉब्लम जो गरीब के यहाँ होता है, उस परिस्थिति को देखते हुए वो महिला की मांग हुआ कि हम लोग के साथ बहुत तकलीफ होता है, बहुत दिक्कत आना पड़ता है, जब अंधेरा आता है तो हम स्वाभाविक रूप से हम शौच कर लेते हैं, अपना जितना समय देना होता हम दे लेते हैं, लेकिन जब दिन खुल जाता है, साफ हो जाता है, तो महिला के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है शौच करना। और शौच को रोकना एक बीमारी का देन, मतलब बीमारी को बुलाना, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब परेशानी है। आप शौच कर रहे हैं बाहर खुले में, कोई व्यक्ति आ गया बेचारी, उस परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब बहुत मानसिक रूप का पीड़ा सहना पड़ता था। ये सब हालात को इनके संस्था द्वारा समझे और हमारे पंचायत के महिला लोग इस चीज़ अपनी परेशानी बताए और इनसे अपना बात रखे कि आपसे हम उम्मीद यही रखते हैं कि इसका भी समस्या हमारे निदान कर दें, तो उनकी बात को लेकर इनके संस्था आर जमीन पर वो चीज़ जो हमारे गांव पंचायत के जो गरीब महिला की आवाज़ को मतलब कि बुलंद किए।